पापा बहुत खुश हुए थे बिकॉज पापा की ड्रीम थी लाइक like, कि उन्हीं का एक इनक्रेजमेंट था कि नहीं तुम करो जे आर चाहिए तो आई I मीन mean, आपका वर्डिंग भी काफ़ी है अगर पीपीटी को रिवाइज नहीं भी करो बट इनका क्लासेज अटेंड करते रहो करते रहो तो हो जाएगा Welcome Economics. Welcome to Byju's Exam Prep Spotlight. So today I have a guest here. आज हमारे साथ एक कोई ऐसा है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में जेआरएफ किया है एंड जेआरएफ विद अ फुल फ्लेज फर्स्ट अटेम्प्ट और अच्छे नंबर से दैट टू फ्रॉम जनरल कैटेगरी 218 नंबर जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स सो दैट टू फर्स्ट अटेम्प्ट सो आज मेरे साथ जो है उनका नाम मैं आपसे परिचय करवाऊंगा वो कहां से है और उन्होंने क्या क्या किया है बट उनसे पहले उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका यूजी एंड पी उन्होंने मगध एंड पाटलिपुर पुत्र यूनिवर्सिटी से किया उसके बाद उन्होंने सोलो uh, मॉडल वो ढूंढ रहे थे और सोलो uh, मॉडल को ढूंढते ढूंढते उन्होंने यूट्यूब में मुझे फॉलो करना शुरू किया उनको पसंद आया एंड देन शी टुक पेड बैच इसके बाद व्हाट आई कैन से बहुत मेहनत की और uh, हम uh, उन्होंने पढ़ाई की शी स्टार्टेड लर्निंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजें अभी उनसे पहले मैं बात कर रहा था तो थॉमस डबल डे की बात कर रहे थे वो और सोलो की बात तो ऑब्वियसली हुई है राम से रूल की डेरिवेशन so, uh, सबसे पहले ज्योति oh, बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा, और थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस आपके बारे में सुनना चाहती हैं कि आपने आप कहा से है और कब सोचा कि आपको सिर्फ बायजूज एग्जाम प्रेप से ही पढ़ना है और जेएनएफ करना है सबसे पहली बात ओके तो uh, मैं ज्योति कुमारी फ्रॉम पटना एंड एक्चुअली आई यूज़ टू लिव इन दिल्ली सो जब मैं सेकंड सेम में थी पीजी का तब मुझे लगा कि uh, कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में तो मैं अपने कॉलेज के प्रोफेशर्स को देखती थी देयर लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर एंड ऑफ आप को भी पता है आप एक प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर की लाइफ क्या होती है तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है तो फिर उस टाइम पी में बहुत सारे असाइनमेंट एंड ऑल चलते रहते हैं तो असाइनमेंट के लिए मैंने आ, सोलो मॉडल एंड राम से रूल पे बनाना था असाइनमेंट एंड सम आठ हम लोग को पता चला था कि राम से रोल एग्जाम्स में भी आएंगे तो मैंने सोचा कि असाइनमेंट के थ्रू प्रिपरेशन भी हो जाएगा तो मैंने ऑफ कोर्स कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया था क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन पे बहुत कम फोकस करते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो मैंने यूट्यूब पे पहले गूगल पे सर्च किया मुझे कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड उसका ये रिजल्ट नहीं मिला मैंने यूट्यूब पे देखा यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे आए मैंने दो तीन क्लासेस भी देखे बट आमिर सर की जो स्ट्रेटजी थी पढ़ाने की एंड उसका एक्सप्लानीशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम से मुझे कुछ भी इशू आता था, था तो मैं अमित चैटर्जी लिख के सर्च कर लेती थी एंड अच्छा। फिर आ, तब मुझे लगा कि मुझे अब आगे इसमें कुछ देखना चाहिए ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स अच्छी थी मेरी थोड़ी बात

उन सभी में फर्स्ट uh, रिलीज के आंसर्स होते हैं जो कि चैलेंज किए होते हैं उनका आंसर्स वो नहीं होता है सो so, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप पढ़ रहे हैं या उन किताबों से पढ़ रहे हैं सो मेक श्योर डोंट टेक दैट ग्रेंटेड फॉर ग्रेंटेड उसमें कई कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको चैलेंज के बाद उसका आंसर चेंज होता है और वो चेंज नहीं होते हैं yes, तो कई बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ये क्वेश्चन तो उस पेपर में आया था इसका आंसर वो था इस बार भी वो यही आंसर तो anyway, हाँ, तो नेट के लिए चलता है ना क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप चलता हुँ। है हुँ। तो मैं वो सब जब अटेंड करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था एक्सप्लेनेशन इच एंड एवरी जो ऑप्शंस होते हैं जो आप उसको एक्सप्लेन करते हो ये होगा तो क्यों होगा ये होगा तो क्यों नहीं होगा तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते थे वहाँ जी, पे जी. तो इसीलिए मैं स्पेशली वो देखना प्रेफर करती थी उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस रिजल्ट देखा हुँ. सबका मैंने ग्रुप में देखा था वो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है आपका हुँ. सबका जे आर एफ जे आर एफ तो मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं जो होगा वो होगा आ, करते हैं <laughs> फिर मैंने आमिर सर का सब्सक्रिप्शन ले लिया बिकॉज़ ऑफ कोर्स सभी ऑल इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं अगर मैं सोचू कि सेल्फ कर लूंगी तो आई डोंट थिंक कि सेल्फ हो पाता जी इस बार जून 2022 का जो अटेम्प्ट था मैं सबको बताना चाहूंगा ये एक बहुत अच्छी खबर है द फाइनल काउंट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ जो बायजूज एग्जाम प्रेप से जो पास आउट हुए हैं पेड स्टूडेंट दो आर एक्चुअली 49 प्लस अभी भी 49 प्लस बोल रहा हूँ, बिकॉज़ 49 तक का मेरे पास इंफॉर्मेशन है बाकी और भी ऑर्बिटल काउंटिंग जब-जब स्टूडेंट हमें बताएं कि हम, हम ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा और प्लस 115 स्टूडेंट्स एलएस पार किए हैं इन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट सो इट्स ऑब्वियसली एक माइलस्टोन है हमारे लिए ऑफ कोर्स सर अगर आपको आप लोग ही हमें ये देते हैं बिकॉज़ मेरा तो पढ़ाना ठीक है लेकिन uh, आप लोग ही हैं जो कि मुझे रिजल्ट लाके देते हैं। बट सर अगर कोई ऊपर ऊपर भी आपका क्लास देख ले अगर फोकस्ड हो होकर ना देखे तो एलएस तो इससे और एंड अगर कंसंट्रेशन के साथ मैं भी क्लासेस देखती थी तो लाइक जो आप डेरिवेशन करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एंड नेक्स्ट जो मैथमेटिकल पोर्शन है जिसमें आप हेशियन मैट्रिक्स वगैरह जो पढ़ाए थे डैम गॉड मैंने उसको ना एकदम ये नहीं देखा था फोकस होके नहीं देखा था बिकॉज hmm. मेरे को लगा प्रीवियस का भी और वो क्वेश्चन आया था एंड सर सच बताती हूँ थैंक गॉड की उस टाइम मैं एकदम क्वेश्चन देख के मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया मैं बोली नहीं मैंने ये क्लास दो बार देखा है गलती नहीं हो सकती है मेरे से सर बहुत बार ये यूट्यूब में पढ़ा रखे हैं हाँ, गलती हाँ, तो नहीं होगी हो मैंने आंखें बंद किया थोड़ा सा काम हुई हाँ। और फिर मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली लगा जैसे आपका वीडियो पुरा चल पुरा याद आ या, कि आपका वीडियो चल रहा है और मैंने मैं बात कर ऐसा मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हुआ एंड ऑफ कोर्स सभी बोल रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट का बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं मैं थर्टी मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट करके हाँ। बैठ गई थी एंड फिर थर्टी मिनट में सारे रिवाइज कर रहे थे टाइम इसलिए कंज्यूम होता है आ, कि जब स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते और वो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस को देख इसलिए टाइम वहां चले जाता है एनीवे anyway, जो थी मैं आपसे स्टार्टिंग से ही जाना चाहूंगा बिकॉज ऑडियंस भी सोच रहे होंगे की हम कहाँ पहुंच गए तो स्टार्टिंग आप मैंने ये आपसे ये पूछा था कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है आप कहाँ से ये, ये आपने बताया की आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर को देखते हैं लेकिन वाई नेट ऑनली वाई नेट और कुछ आपका प्लान था क्या पहले मैं जनरल कंपटीशन का आ, प्रिपरेशन करती थी बट वहाँ पे मुझे कुछ आई I मीन mean, मुझे लगा कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी बेसिकली वहाँ पे क्वेश्चन एंड टाइम मैनेजमेंट जब भी मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती थी मुझे लगता था अंदर से जैसे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा तो जहाँ पे अपनी एक कैपेसिटी होती है सबको पता करना चाहिए कहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ क्या कर सकती हूँ

कहीं सोचा कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे बॉडर करता है कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन कितनी है आपका जो बेसिक है वो कितना क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए अगर वो नहीं है देन आ, मेहनत करनी पड़ सकती है बट या आपके क्लासेस से हर चीज हो जाता है आई मीन बेसिक से लेके जीरो से लेके हाई तक चले जाते हैं एंड वही हाई डिसाइड करता है जी होगा या नहीं होगा क्योंकि एक, एक, एक रिसेंटली बात मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही थी और वो शायद आपकी मास्टर्स किस साल में थी

जो एक नॉर्मल रेगुलर क्लास में होता था मास्टर्स में और इन स्टूडेंट्स में जो हो रहा है एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंपैरिजन आ जाता है कि जब ये स्टूडेंट पढ़ने बैठेंगे जब ये स्टूडेंट जे करने बैठेंगे तो इनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ या आपको क्या लगता है नथिंग लाइक दिस सर आई मीन आजकल तो हर चीज डिजिटाइजेशन का है नहीं. तो वहाँ पे भी क्लासेस ऑफ कोर्स हमारी ऑनलाइन ही चलती थी ड्यू टू कोविड एंड बट एग्जाम्स हमारे ऑफलाइन होते थे uh, जब जब लॉकडाउन हटते थे अच्छा। उसी टाइम में रिलीज हो जाते थे हम लोग को जाके पेपर देना होता ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हुए तो जो आपकी पढ़ाई थी मास्टर्स तक की हाँ। और जो आपने जेआरएफ की तैयारी की दोनों के बीच में कितना फर्क था बहुत

तो ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ ना कुछ एडिशनल चाहिए एंड सम व्हाट विज लगता है कि मैथमेटिक्स ही था जो मुझे ज़ियारत की ओर ले गया एंड स्पेशली आपका डेरिवेशन कहीं भी बीच में भूल जाओ मैं भूल गई थी एग्जाम में मैंने डिराइव करना शुरू किया मतलब डेरिवेशन करना जरूरी है वो आईएसएलएम का क्वेश्चन जो था टैक्स से रिलेटेड टैक्स टैक्स डिक्रीज या इंक्रीज हो होगा तो आईएस कर्व कहां शिफ्ट करेगा सो so, uh, मेरी अपने स्टूडेंट्स को सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में तीन डर होते हैं पहला होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा दूसरा होता है अगर मैं कर भी लेता हूँ तो भी मैथमेटिक्स का एक डर हमेशा रहता है और तीसरा और सबसे बड़ा डर इकोनोमेट्रिक्स जो मैंने कभी नहीं पढ़ा हमारे क्लास में भी नहीं पढ़ाया गया फिर मैं कैसे करूँगा ये सब्जेक्ट को अगर गलती से किसी स्टूडेंट ने बुक्स खोली उसके बाद उसके अंदर जो भयानक सिम्बल्स हैं वो देख के ही एक तरीके से लगता है कि नहीं करना मेरे को इकोनोमेट्रिक्स को कैसे किया आपने इकोनोमेट्रिक्स में बेसिकली वहाँ पे टफ क्वेश्चन पूछते नहीं है एंड बहुत आई uh, मीन I mean, ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला ज्योति प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा इसको टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इकोनोमेट्रिक्स में एंड वो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो भी पूछते हैं बट उसका कंसेप्चुअल क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है

क्वेश्चंस को मैं हर थे। मैं सबसे यही सब देखती थी आई I मीन mean, जब फ्री टाइम में मैं सारे क्लासेस अटेंड कर लेती थी लगता था अब कुछ रिवाइज करना चाहिए तो मैं ये क्वेश्चन उठा लेती थी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आप ऑप्शन जो इलेबोरेट करते हैं बहुत सारी टॉपिक रिवाइज हो जाती है

कि ये क्वेश्चन 2017 में आया है ये क्वेश्चन 2019 में आया है ये क्वेश्चन 2021 में आएगा तो इस बार आएगा कि नहीं आएगा इस तरह की संभावना संभावना या प्रोबेबिलिटी पे हम डिपेंड करते हैं दूसरी बात कि मे बी बिकॉज ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इन्हीं पे हमें काम करना होता है हमें कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भूल जाते हैं और जब तक ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा जब तक एक हेलीकॉप्टर व्यू में नहीं देखेंगे आप हम लोग एक बुक में हैं तो बुक का चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री देख रहे हैं जब तक हम ऊपर से उस टॉपिक्स को नहीं देखेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर प्रोड्यूसर मार्केट फर्म वेलफेयर गेम थ्योरी के सारे सारे एक साथ कैसे लिंक है तब तक शायद हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं बाइजूज एग्जाम के जो इकोनॉमिक्स का ये बैच है इसमें मेरी एक ही उम्मीद रहती है एक ही अटेम्प्ट रहती है किस स्टूडेंट किस तरीके से स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल लॉजिक और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लॉजिक और पैडालॉजिकल फीचर कैसे उनको आगे लेके जाए सो so, माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में मुझे सुनने को मिला आपसे और इसके अलावा और क्या लगा कि कहीं जिस तरीके से ने uh, ने या uh, पूरे फीचर ने आपको help किया इस, आपके सपने में, के सपने में, में। के इसका था। अच्छा। और आपका साथ सबसे एंड फिर उसके बाद जो हर चीज आई I मीन mean, जो मैथमेटिकल मैंने बताया वो सोलो मॉडल से लेके हर मॉडल हेराडोम सबका डेरिवेशन अलग था लाइक like, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो एक होता है ना कि हाँ कोई नहीं भूल गई तो इसको डिराइव करके मैं उस आंसर तक जा हूं। उससे अभी क्योंकि आपका जैन हो चुका है तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई, ऐसा कोई वेबसाइट ऐसा कुछ भी चीज जहाँ पे आपको वन -स्टॉप मिले जो भी हमने किया अभी तक I don't think so. <laughs> <laughs> मतलब ऐसा कुछ नहीं है हुँ. कि हमेशा यही कहता था, था तरीके से मिलती है या तो स्टूडेंट मेहनत करे या तो टीचर ज्यादा मेहनत करे तो टीचर ज्यादा मेहनत करेगा तो स्टूडेंट को कम करना पड़ेगा और अगर टीचर कम करेगा तो स्टूडेंट को ज्यादा करना पड़ेगा एनीवे anyway, सो so, अभी मॉक टेस्ट का आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता था आप कितने टाइम के बाद मॉक टेस्ट लेते थे या कितने टाइम के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते थे नहीं मैं तो कोई ना कोई मॉक डेली लगाते थे डेली हां डेली लगाते थे तो डेली ज्योति जो है वो मॉक टेस्ट करती थी कितने टाइम लगाते थे आप उस कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे 1 एंड हाफ आवर मैं पेपर 1 पे सॉरी पेपर 2 पे ले लेती थी मैं पेपर 1 डेली नहीं करती थी टू टू थ्री टू टू थ्री डेज पे पेपर 1 का एक लगा लेती थी अच्छा बट पेपर टू का मैं डेली करती थी अच्छा। जो मॉक था वो अवेलेबल एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स पे तो उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके औसतम ठीक होते थे एवरेज कितने ठीक होते थे एवरेज मेरे हो जाते थे 80 प्लस कभी-कभी 90 प्लस चले जाते थे मॉक्स uh, तो कभी ऐसा होता था कि ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस आया

हाँ मेरी पीजी उतनी सही थी नहीं तो मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ा था कितना टाइम लगाया था आपने मतलब एक दिन के हिसाब से आप कितने टाइम सिर्फ सेल्फ स्टडी लाइव क्लासेज वगैरह छोड़ के हुँ, 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 सिर्फ लाइव क्लास छोड़ के

तीन घंटे वीडियोस देखे और एक से डेढ़ घंटा आप मॉक करते थे रिव्यू करते, करते थे सो टोटल so, मिला के जितना मुझे समझ में आ रहा है ज्योति से के सुनने को मिल रहा है तकरीबन आठ से नौ घंटे इन्होंने पढ़ाई की है एक दिन के अंदर

तो मैं सोचती थी कि इतना इधर उधर करूंगी शॉर्ट नोट्स भी होते थे मैं आपके जब क्लास अटेंड करती थी उसी टाइम पे मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती, बना लेती थी।, थी हाँ एंड जो आप बोलते थे वो ज्यादा लिखती थी मैं वो वो ज़्यादा होता था क्योंकि हाँ। तो कहीं लिखा नहीं होती तो मैं सोचती थी ये तो लिखा हुआ है ऐसे भी अवेलेबल है कभी भी मैं देख सकती हूँ बट जो आप बोल रहे हो उसके लिए मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स मैं देखती भी थी बट एक होता है शॉर्ट नोट्स कि आ, कितने मिनट पे ये याद नहीं रहता था तो बस उतना देखने के लिए मैं ये लिख लेती थी अच्छा तो फिर आपने जैसे कि नोट्स आपने निकाले हाँ? एग्जाम प्रेप के जो नोट्स हर एक क्लास के साथ मिलते हैं तो इसका क्या प्रिंट आउट निकाला था आपने फिर नहीं अच्छा मेरे पास टैब थे थे उसी अच्छा, तो, तो उसी में आप लिखते रहते थे कि ये हाँ, ये सामने बीच में बोला है वहाँ पे इंक्लूशन uh, हाँ. कर लेते थे, थे अपना लिखने के लिए मैं कॉपी पेन यूज करती थी ऐसे हाँ. आपका जो पीपीटी uh, वगैरह थे हाँ. वो क्लास नोट्स के पीडीएफ निकालें या फिर इसके पीडीएफ नोट निकालें तो वो कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैं सोचा कि आपसे ही पूछ लू की आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपना शॉर्ट नोट्स जो सर बोल रहे हैं उनका वर्डिंग बहुत इफेक्टिव है किसी भी चीज के लिए और फिर ये तो हो गया तीन महीने पहले की बात तो जब आपने पेपर से एक महीना या पंद्रह हाँ हाँ, वो, वो, <laughs> वो मतलब अच्छी प्रिपरेशन थी शायद अभी एग्जाम हो जाता तो कुछ पॉसिबिलिटी थी मैंने रोया भी था वैसे कि एग्जाम मैं हमेशा बोलता था कि ऐसा होना चाहिए कि कल अगर नेट एनटीए ने कल पेपर ले लिया तो तब भी हम जेआरएफ कर एफ तो प्रिपरेशन तो रहता था बट एक फिर भी होता है ना अंदर से डर जब हाथ में कुछ नहीं हो तो डर लगता है अच्छा। <laughs> एक सेटलमेंट टाइप कुछ नहीं था तो थोड़ा सा डर लगता था मुझे <laughs> जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था मैं घर में बताई और चुपचाप आके अपना रूम बंद करके रोने लगी थी फिर मैं हो गया आधे घंटे रो लो बहुत हो गया अब अपना पढ़ाई करो हाँ अब अपना पढ़ाई करो अपना पढ़ाई करो बिकॉज

और आ, पेपर वन में आप कितना टाइम लगाते थे क्योंकि अभी तोषा मैम की बात होती है तो उनसे पूछना था हाँ, तो मुझे पड़ेगा तो तो तोशिबा मैम पेपर वन में आ, गुलसन मैम एंड तोशिबा मैम दोनों ही बहुत अच्छे पढ़ाती <laughs> तो उन लोगों का मैं क्लासेस लाइव अटेंड कर लेती थी उन लोगों का बेसिकली 1 आवर का क्लास होता था अटेंड करती थी एंड वो एक ही बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह कर देते थे डाउट वगैरह आते नहीं थे ज्यादा और फिर मैं मॉक लगा लेती थी बट पेपर वन बहुत हेल्प करता है जे uh, रुक principle... गया की तो आपका चाहे जितना भी मार्क्स हो एल में रह जाओ एल एस में पहुंच जे आर में अगर हेल्प करता है बिकॉज ये सबको पता है ट्वेंटी ऐसे आने ही आने जो अनसेन

तो मुझे अच्छा लगता है ये देख के किस कि तरह की किस तरीके से बाइजोज एक्साम्पल जो है वो स्टूडेंट्स को उनके इतने सारे स्टूडेंट्स को चाहे वो महाराष्ट्र हो तेलंगाना का सेट हो चाहे गुजरात का हो वेस्ट बंगाल का हो कहीं का भी सेट हो हर जगह पे हम, आ, हम हमारी पहुंच है स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स की वजह से जो अभी हम देख रहे हैं जो आप अभी हमें देख रहे हैं कल आप हमें डेफिनेटली यू विल मेक अस प्राउड ऑफ लाइक जैसे ज्योति बैठे यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जब ज्योति भी वहां पे थी

तो पापा पापा बहुत खुश हुए थे बिकॉज़ की ड्रीम थी लाइक like, कि उन्हीं का एक इनकरेजमेंट था कि नहीं, नहीं तुम करो अच्छा, अच्छा। जितना मैंने बोला कि इधर बहुत टाइम लगता है लाइक like, पीएचडी करने में फिर एंड तो बोले कोई नहीं तो हाँ करो तो, तो मैंने अभी फोन अभी है। आते हैं पास कि दीदी ज्योति हाँ हा। तो मैं कैसे पास करूं मैं मुझे तो या फिर कुछ टिप्स बताओ टिप्स दे दो, दे दो। आ, अगर तो ये मैं बोल देती हूँ कि देखो पढ़ना है तो अमित सर से पढ़ लो क्लासेज अच्छे पढ़ना है तो अमित सर ऐसी पढ़ हाँ नहीं ये सच में अगर

नहीं, मेरा तो एक ही टेंशन है ज्योति जब भी आप रियल लाइफ में प्रोफेसर बन रहे हैं तो उसके बाद वो दिन जब पहला लेक्चर होगा आपका आप बीच में हैं पीछे है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है एम, एम पी थिएटर या लेक्चर हॉल की तरह आप सब स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको वो कभी भी चैलेंज कर सकते हैं जो कि मोबाइल फोन आपके पास कोई किताब नहीं है वो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो दैट इज वॉट द रियल प्रैक्टिस एनी वे ज्योति बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अः uh, कुछ अगर आप uh, एक से डेढ़ मिनट में अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं आपके बारे में या फिर कैसे तैयारी करनी है व्हाट दे शुड डू सम मिस्टेक्स दैट यू डिड या क्या करना चाहिए तो दिस इज ज्योति ध्यान सुनिएगा अगले एक डेढ़ मिनट ज्योति जो भी बोलती है उसको ध्यान से सुनना अमल करना और जितना हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करना ज्योति ओवर टू यहाँ अगर आपको जे चाहिए तो बैजूज़ एग्जाम ट्रिप एंड स्पेशली अमित सर को फॉलो करो यूट्यूब पे भी हर क्लासेज इनका एक भी क्लास स्किप नहीं करना बिकॉज हु नोज इनका कौन सा वर्ड स्किप हो जाए एंड वहीं एग्ज़ाम्स में आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर दैट पैनिक नहीं होना है बीच में बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन्ड होते हैं बहुत uh, बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन होती है जो छोड़ देते हैं एग्जाम आई मीन प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कहीं और चले जाते हैं तो ऐसे नहीं होना है आज नहीं तो कल अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है तो एग्जाम होगा ही होगा एंड देन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है थोड़ा सा एग्जाम से पहले पाँच मिनट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आंखें बंद करके पाँच मिनट की मेडिटेशन का तो टाइम बहुत रहता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मेडिटेशन कर लो पाँच मिनट काम हो जाओ एंड देन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करो एंसर की स्ट्रैटी पहले पेपर टू देन पेपर वन नहीं तो फिर वही फंस जाएंगे क्योंकि पेपर वन अफकोर्स थोड़ा सा ट्रिकी आता ही आता है

सो ऑब्वियसली सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक मेहनत चलती रहती है एक पूरा लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है सो अपने प्रायोरिटीज सेट कीजिए एंड लगे रहिए जब मन बना लिया है तो इसको जरूर क्रैक कीजिएगा और हो जाएगा सो थैंक यू ज्योति फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डू रेकमेंड अमित सर टू योर जूनियर्स आल्सो एंड आप लोग भी जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टेट एंड कीप लर्निंग थैंक यू